हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आ गए हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत टाइम से डीएम्स में पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि ये पिज़्ज़ा मोमोज कहाँ पर मिलते हैं, लाइक बेस्ट प्लेस बताओ पिज़्ज़ा मोमोज का। तो मैं बहुत बहुत थक गई थी ये बात सबको सुनते कि बेस्ट पिज़्ज़ा मोमोज कहाँ पर मिलता है। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपको दिल्ली का बेस्ट पिज़्ज़ा मोमोज प्लेस, जहाँ पर बेस्ट पिज़्ज़ा मोमोज मिलते हैं दिल्ली में। जो लोग जानते हैं इस जगह के बारे में, उन लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं कहाँ पर आई हूँ। हाँ जी, मैं आई हूँ वॉन्ग्स किचन, जो कि है रोहिणी में। पूरा एड्रेस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि ये लोकेशन कहाँ पर है, बाकी तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया ही होता है। एंड यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा मोमोज के साथ साथ और भी चीज़ें ट्राई करूँगी, लाइक बर्गर, क्रंची बर्गर बहुत फेमस है यहाँ का, क्रंची बर्गर। एंड साथ में गाइस बिगेस्ट काठी रोल, यस बिगेस्ट काठी रोल भी मैं यहाँ पर ट्राई करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए मैं थोड़ा भीड़ से दूर हटकर शूट करने के लिए आई हूँ, ताकि मैं आपको दिखा दूँ, ताकि मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूँ एंड कहाँ पर है, लोकेशन, प्राइस एंड मेकिंग, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, हमने जो जो ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। ये है हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पिज़्ज़ा सैंडविच। देख रहे हो आप इसकी फिलिंग, देखो इन्होंने कितने अच्छे से पूरे बड़े बड़े पनीर के पीसेस भर के और पूरा लोडेड, चीज़ लोडेड है ये। इसे टेस्ट करके बताती हूँ ये खाने में कैसा। टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, आई लव इट। ट्राई करते हैं पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। होय 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 होय, चीज़ देखो इन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ डाली हुई, लाइक कंजूसी नहीं करी है बिल्कुल भी चीज़ में इन्होंने। बाकी इसे टेस्ट करके बताती हूँ खाने में कैसा है। बेस देखो इसका कितना थिन है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया ऐसा गाइस, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड साथ में ये थोड़े मैंने खा लिए पहले से, ये हमारे पेरी पेरी फ्राइज। बहुत बढ़िया। अभी हमने और भी चीज़ें ऑर्डर किया तो वो ट्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ एंड बताती हूँ टेस्ट में कैसा। गाइस ये रही हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड। तो गाइस ये आ गई इनकी गार्लिक ब्रेड, मेरे से ना सब्र ही नहीं हुआ इसको, मतलब देख के इतनी बढ़िया लग रही थी ना देखने में, तो मैंने ना पहले ही खा ली। तो चलो कोई बात नहीं, जो बचा हुआ है ना वो ट्राई करके आपको एक बार दिखाई देती हूँ मैं। होय होय, हर चीज़ में स्वाद है, किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। जैसे बहुत बार होता है ना गार्लिक ब्रेड में, जो ब्रेड है वो हार्ड हो जाती है, बट बहुत सही लग रही है ये टेस्ट में। और इनकी जो ब्रेड है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया लग रही है गाइस, बहुत बढ़िया। जिसका आप लोगों का बहुत देर से वेट था, जो लोग मुझे बोल रहे थे पिज्जा मोमोज दिखाओ, पिज्जा मोमोज दिखाओ, ये रहे हमारे पिज्जा मोमोज। चलो इसे टेस्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। सो गाइस फाइनली जिसका आपको इतनी देर से इंतज़ार था, जिसके लिए आपने मुझे डीएम कर करके परेशान कर दिया कि पिज़्ज़ा मोमोज दिखाओ, पिज़्ज़ा मोमोज दिखाओ, तो गाइस ये रहे हमारे पिज़्ज़ा मोमोज। इसकी मेकिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाई कि कैसे बने हैं पिज़्ज़ा मोमोज। बाकी अब बारी है हमारे इसे टेस्ट करने की। अगर हम इसे देखें तो आप देख रहे हो कि इन्होंने पूरा मतलब इसको चीज़ से कवर किया हुआ है, साथ में हमारे इन्होंने सॉसेज दिए हैं, थोड़ा मैंने खा लिया है पर कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए एक बार दोबारा टेस्ट करूँगी। सो ये देखो इसके अंदर की फीलिंग, देखो पनीर से इन्होंने इसको पूरा स्टफ है, पनीर का स्टफ है पूरा। अब इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि टेस्ट में कैसा है। इसी को उठा लेती हूँ। ओहो हो, थोड़े हाथ मैसी हो जाएंगे मुझे लगता है, हाथ से खाना पड़ेगा इसे, हाथ से खा के ट्राई करती हूँ इसे मैं, स्टफिंग के साथ भरते हुए। होय, बेस्ट मोमोज,
इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपको पता है इतनी दूर से ट्रैवल करके ना मैं सिर्फ इनके ये पिज़्ज़ा मोमोज ट्राई करने आई हूँ। वाह हेवन है गाइस, ये हेवन है। आराम से अपने दो तीन फ्रेंड्स के साथ आना और यहाँ पर आके ना ये पिज़्ज़ा मोमो ज़रूर ट्राई करना। वाह हाथ देख रहे हो पूरे मैसी मैसी हो गए मेरे, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम ट्राई करते हैं इनका बहुत फेमस क्रंची बर्गर। जी हाँ क्रंची बर्गर वो ट्राई करते हैं और आपको उसकी मेकिंग भी दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी। फाइनली जिसका हमें इतनी बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए आप लोग बहुत हमेशा डिमांड करते रहते हो कि कुरकुरे बर्गर हमें दिखाओ, कुरकुरे बर्गर दिखाओ। तो गाइज ये रही वॉन्ग्स की कुरकुरे बर्गर और इसका क्रंच आप देखो, और टिक्की भी ना इनकी बहुत बड़ी वाली टिक्की रखी है भैया ने, मतलब कोई कंजूसी नहीं करी टिक्की रखने में। तो इसे ट्राई करते हैं कुरकुरे बर्गर को इनकी। ओह माय गॉड, टेस्ट में एक नंबर। बाकी ना बहुत हेवी है, मतलब थोड़ी सी एक खाना एक से ज़्यादा खा नहीं पाओगे, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आना, टेस्ट में बहुत अच्छी है और क्रंची इतनी ज़्यादा है ना, लाइक थोड़ी देर रखने के बाद भी इसका क्रंच ना अभी भी उतना का उतना ही है जैसा पहले था, जैसा भैया ने गरम गरम निकाली थी ना, बिल्कुल अभी भी सेम क्रंच है। पर आप लोकेशन बता दो कि लोकेशन यहाँ पर बॉन्स आने के लिए कैसे आना पड़ेगा। मैं मेरे रोहनी सेक्टर 9 है, नियर बाई ग्लोरियस पब्लिक स्कूल और धर्मपुर डिपार्टमेंट है, ग्राउंड फ्लोर आरजी मॉल। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर क्राउड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे शाम होती जा रही है क्राउड वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। लाइक आप देख रहे हो कितनी फेमस जगह। सो गाइस हमने ऑर्डर किया था दिल्ली का बिगेस्ट काठी रोल यहाँ से, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा होगा, मुझे लगा था मैं ये खा लूँगी, पर इसका साइज़ देखो आप, ये देखो मेरा मुंह भी छोटा पड़ गया इसके सामने, ये इतना बड़ा काठी रोल है। और मैं सोच रही थी कि मैं इसे खाऊँगी, पर मैं अगर इसे खाऊँगी ना तो रात हो चुकी है और खाते खाते ना सुबह हो जाएगी, इतना बड़ा है। तो मैं इसे ले जा रही हूँ घर पर पैक करा के फैमिली के साथ खाऊँगी, क्योंकि अब तो ये फैमिली पैक ही है पूरी तरीके से, पैक करा के लेकर जा रही हूँ और घर जाकर ट्राई करती हूँ, और ट्राई करने के बाद आपको पक्का मैं बताऊँगी। बाकी इसका रिव्यू मैं आपको इंस्टाग्राम पे दूंगी, और अगर आप मुझे और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, स्नैपी फूडी दिल्ली, एंड वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि टेस्ट में कैसा था। सो गाइस बहुत थक चुकी हूँ, दिन ख़त्म हो चुका है, आप देख ही रहे हो पूरा पीछे अंधेरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, मतलब लाइक शायद 7 बजने वाले हैं, एंड अब मैं घर जा रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वॉन्ग्स का, यहाँ के जो मोमोस है ना, पिज़्ज़ा मोमोस, स्पेशली पिज़्ज़ा मोमोस एंड ये काठी रोल जो अभी अभी आपने देखा, बिगेस्ट काठी रोल, ये टेस्ट में इतना ज़्यादा अच्छा है ना, लाइक बहुत बढ़िया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो काठी रोल है ना मैंने पहले भी ट्राई करा है इनका, मैं यहाँ पर शायद तीसरी या चौथी बार आ रही हूँ, एंड वॉन्ग्स का मेरा जितना ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही अच्छा है। लाइक मैं आ सकती हूँ यहाँ पर ट्रैवल करके, अगर आप एक अच्छे खाने की तलाश में हो, अगर आप फूडी हो ना तो आप यहाँ पर ज़रूर आना, यहाँ के मोमोज पिज़्ज़ा एंड बर्गर, क्रंची स्प्रिंग रोल्स, ये सब ज़रूर ट्राई करना गाइस, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट में टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। एंड जब भी आप यहाँ पर आओ ना तो मुझे बताना कि आपने यहाँ की क्या क्या चीज़ें ट्राई करी,
जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।